रदीतुबिल्लि रबा वबील इस्लाम दीना वबी मुहमदिन सल्ला वसमा नबी रसूला अल्ह अकबर अल्लाकबर अल्लाकबर लब्ब लब्बीक लब्ब या रसूल अल्ला वसम

हाजरीन महबूब से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर अस्सलातु व सलाम अलैका या सईदी या रसूल अल्लाह व अला आलि का व असहाबी का या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या सईदी या नबीयीन व अला आलि का व असहाबी का या अवलन नबीयीन व या आखिरन नबिय्यीन मौला यसल्ली वसल्लम دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا

और हज़ूर सरवर कायनत मफ़र मौजूद जीनत बज़म कायन दस्तगेर जहाँ गम गसार ज़मा सैद सरवरा हामी बेकसा कादलमरसलिन ख़ातमन नबीयन अहमद मुजतबा जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु साल ही वसाबी वबारक वसलम के दरबार बार में हदीतरुद्लम अर्ज करने के बाद अस्सलामुअलैकुम वरम वबरकातु हाजिरीन नाजरीन सामीन जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम की तरफ़ से हज़रत सैयद शाह जलाल रिसर्च सेंटर में इकामत दिन के उनचासवें प्रोग्राम में फहुआ यशफीन मुहिम के सिलसिला में इस वक्त हम मौजूद हैं आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नमाज जमात में दो नमाजियों के दरमियान का फ़ासला मेरी दुआ है खल के कायनात जला जलाू जला हम सब को कुरान सुन्नत का फाहमतः फ़रमाए और कुरान सुन्नत के अबलाग तबलीग और इस पर डट के अमल करने की तोफ़ीकता फ़रमाए पेर्ज़ आफ़ इस्लाम में नमाज़ का बहुत बड़ा मकाम है इसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ने हर दिन में पाँच मरतबा चौबीस घंटे के अंदर ये इबादत इस उम्मत पे फ़र्ज़ कर रखी है जिसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता और फिर मोमिन और काफिर के दरमियान इसे फर्क करार दिया गया है और हदीस शरीफ़ में यहाँ तक कहा गया कि अगर वक्त के हुकमरान इकामते, सलात के दरम्या ख़लल ना डालें तो फिर उन के ख़िलाफ़ तुम किताल के लिए ना निकलो अगर अगरच उनके करतूत कैसे हो जाएं अगर एक सलात में खलल डालें तो फिर शरीय मतहरा ने उनके ख़िलाफ़ इकदाम का लोगों को हुक्म दिया रब्बे जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये पाकिस्तान मदीना मुनवरा का नज़रियाती महल्ला है और करियाए इश्क रसूल सलाम है आज सिर्फ़ एक मुल्क मौजूदा सूरत हाल में ऐसा है यानी इस पंद्रहवीं सदी में कि जिसका नाम कलमा इस्लाम के साथ मुनसलिक है और जिसकी डेफिनेशन में ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है यानी अगर कोई शख्स ये कहे कि सऊदी अरब का मतलब क्या तो इसके जवाब में ला इल्लल्लाह कोई नहीं कहेगा लेकिन कोई कहे पाकिस्तान का मतलब क्या तो ला अल्ला महम्मदर रसूल्ला सला वसल्लम यानी वो जो हिजाज़ मुक़दस का तकद्दस है या वहाँ से जो दीन चला है वो तो यकीनन उसी सरज़मीन की अवलीत है और उसी का ये उजाला है और वहाँ ही निज़ाम मुस्तफ़ा वसल्लम की सल्तनत क़ायम हुई मगर आज जो ममालिक अपनी हदूद व क्यूद के लिहाज से अपने अपने नामों से पहचाने जा रहे हैं तो सऊदी अरब की डेफिनेशन ये नहीं है कि ला, ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईरान की ये डेफिनेशन नहीं है कि ईरान का मतलब क्या तो मैं बबांगे दोल कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस बात का जवाब के पाकिस्तान का मतलब क्या ला अल्ला मुहम्मद रसूल सल्ला वसम ये इस मुल्क को मुमताज़ करता है और ये नारा बनाने से पहले बनाने वालों ने लगाया कि हम इस मक़सद के लिए इसे बना रहे हैं तो ये हमारी खुश नसीबी है कि हम कलमा इस्लाम का जो मफहूम है उसके मुताबिक जिसका नज़रिया है उस मुल्क में हम रहने वाले हैं और इस मुल्क में दीन मतीन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कोरोना वायरस का जब से हमला हुआ उस वक्त से फहुआ यशफीन मुहिम जो हमने शुरू की बहुत से ला अदवा से लेकर दरमियान में आए जिस पर हमने अपना नुक्ता नज़र फौरी तौर पर अल्लाह के फ़ल से वाज किया येदा बात है कि पीछे कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को दबाना चाहा और जो ग़लत तश्रहत मख्तलफ़ नाम नहाज़ सकालर्स कर रहे थे वो हकूमत की हमायत में थी और हकूमत या ऐसा करवा रही थी उसे हाई लाइट किया गया और जो ख़्यातें मुबैना पकड़ी गईं उसको भी रोका नहीं गया लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमने अपनी तरफ़ से कलमा हक बुलंद किया और उसके असरात भी मुरतब हुए और आज हमारी जो पहले दिन से आवाज़ थी और हमारा जो मौक़ था सजदा साहब निकाले बग़ैर अल्लाह के फजल से उसी मौक़ पर मसाजिद खुली और जुमे की अदायगी उसी मौक़ पर यानी चार पाँच नमाजियों की शरत के बग़ैर जो अहनाफ़ के नज़दीक इज्नआम की शर्त है उसके मुताबिक जुमा की अदायगी का भी ऐलान कर दिया गया इस बुनियाद पर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि रमज़ानमारक की आम से पहले मस्जिदों की रौनक का दोबाल होना ये अल्लाह का खसूस फ़जल है और इसमें हुक्मरान तबके में से जिसने खलूस नीत के साथ जितनी कोशिश अच्छे काम के लिए कि अल्लाह उन्हें भी ज़ाय ख़ैर अताफ़रमाए किराम ने जिस जिसने जिस जिस जहत से इस नेक मकसद के लिए नेकी में हिस्सा लिया अल्लाह सब को जज़ाय खैर अता फ़रमाए अब ये सूरत हाल है कि मैं इससे पहले भी जब कराची के उलामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो उसी दिन मैंने फ़ौर ये कहा कि एक नया मसला दो मसलों की तरफ मैंने इशारा किया था उनमें से एक से तो जान छुड़ा दी गई है जो उस दिन सैनिटाइज़र की शर्तें लगाई जा रही थी और उससे फिर आगे मुख्तलिफ़ मसाइल ने जन्म लेना था लेकिन बीस निकात में वो सैनिटाइज़र वाला जो न... रखा था वो उन्होंने शिक रखी थी कराची की उलमा ने मगर ये बीस निकाती एजंडे में उसे शामिल नहीं किया गया और ये बहुत अच्छा हुआ वरना ग़रीब आबादियों में मस्जिदें उनके लिए मसाइल बनते और फिर जहाँ भी ये लगाए जाते तो एक मुस्तकिल बहस इस पर चल निकलती कि आया उन लोगों के कपड़े भी सही हैं या नहीं चूँकि तो वो अल्कोहल का मसला एक मुस्तकिल मसला है जिस पर आगे फिर मज़द बहुत से मबास हैं कई हमारे मल ने तो ये देखे बग़ैर कि ये जायज़ भी है या नाजायज़ भी है सिर्फ़ अपनी दौलत के बल बोते पर ये अहतमाम करके शुरू कर दिया बहरहाल खुदा का करोड़ों बार शिक्र है कि उससे से कौम की जान छूटी है दूसरा मसला जो था वो ये था कि सफ़ों के, के दरमियान का जो मामला है सफ़ों के दरमियान और नमाज़ियों के दरमियान यानी ये दो मसले हैं जिन पर दोनों पर हमने बात करनी है कि एक पहली सफ़ है उसके बाद दूसरी सफ है फिर तीसरी सफ है इन सफ़ों के बीच कितना फ़ासला होना चाहिए और फिर पहली सफ़ में जो नमाजी खड़े हैं दूसरी में जो खड़े हैं एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान क्या फ़ासला जायज़ है या नाजायज़ है ये उस दिन कहा था कि इन इना ने ये बात मुबम छोड़ी है और सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन कर लेंगे ये इंग्लिश के लफ्ज़ बोल के इसके अंदर बहुत कुछ छुपा दिया गया है कि जब अमलन ये निज़ाम सामने आएगा तो फिर लोगों को दुश्वारियां होंगी और वो ऐसा ही हुआ कि जब से ये बीस निकात सामने आए हैं अब बड़े बड़े फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अब ये जो दो नमाजियों के दरमियान का फ़ासला है कोई कहता है एक बरिश्त रखना है कोई कहता है बिल्कुल नहीं रखना कोई कहता है छः फुट रखना है कोई कहता है तीन फुट रखना है और मेंटेन करने वाले जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं और ख़ुद उनके बयान यानी लोगों ने पूछा है इसमें और है आवाम पूछते हैं जब उस वक्त तौर है और जब हुकूमत कहती है कि तुम अपनी तरफ से भी लोगों से अपील करो कि वो अब इन निकात पर अमल करें और तो कहते हैं अब इससे ख़िलावर्जी गुना है कि ये एकजुमा हो चुका है उनका बकौल सदर मोहतरम तो अब नमाज़ जो है वो बहुत बड़ी इबादत है और दिन में पाँच मरतबा है हर ख़ास आम पे है और हर जगह अल्लाह के फजल से अदा की जाती है यानी अभी तक ऐसे हालात नहीं आए और ना आए कि कोई ऐसा देहात हो जहाँ कोई नमाज ही नहीं पढ़ता या कोई ऐसा शहर हो अल्लाह के फजल से घर घर में महल्ले-महल्ले में नमाज़ पढ़ी जाती है बल्कि हर महल्ला मस्जिद रखता है यकीनन छोटा महल्ला भी और ये उम्मत उम्मतलमसाजिद है और मस्जिदें इसकी आबाद हैं जो इसके ज़िंदा होने की दलील है तो अब सब को इस सिलसिला में बड़ी तशवीश है और इसमें आगे सूरत हाल ये है कि आज की प्रेस रिलीज़ में भी मैंने वो अपील की है हुकुमरानों से कि बीस निकाती झंडा आ गया वो मसाजिद का जो गिराव था या ताकुब था नमाजियों का वो अब इजाज़त मिल गई तो क्योंकि तादाद जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं रही अब अंदर मस्जिद के जो मामला है वो मुसलमानों पर छोड़ दो वो अपनी मर्ज़ी से नमाज पढ़ें अब तुम अपनी दीगर ड्यूटियाँ करो बहुत से काम हैं अब तुम्हारा ये ड्यूटी अपनी ना समझो कि हमने इनको फासले फासले पे खड़ करना है और ये हमने इनसे पाबंदी करवानी है कि ये ज़रूर इस तरह करें बल्कि अपनी तवज्जो किसी दूसरे काम की तरफ कर लो और ये अल्लाह के घर में मुसलमानों को दिल खोल के बंदगी करने दो और ये तीन लिहाज से दीन में मुदाखलत बनती है ठीक है डब्ल्यू एच ओ के अपने मामलत हैं हुमरानों के अपने मामला हैं मगर नमाजियों को इससे क्या गरज वो हुक्मरान डब्ल्यू एच ओ से आप निबटते रहें जो कहना करते रहे अब एक है अल्लाह के घर के अंदर अगर ऐसे आगे किया गया तो कि पुलिस और ये आके सफ़े चेक कर रहे हैं कि कहाँ किया गया है सोशल डिस्टेंस और कहाँ नहीं किया जा रहा दुनिया फासले मिटाना चाहती है यानी असल जो अदल है वो दुनिया से मुराद और अब ये है कि फासले बढ़ाना चाहते हैं कि इंसान आपस में फ़ासले बढ़ा के रहें और हर एक दूसरे को दुश्मन समझे के इसकी बीमारी मुझे लगेगी मेरी इसको लगेगी हर एक दूसरे को देख के नमाज में भी इबादत में भी कामता रहे तो एक है कि मस्जिदें इनकी हैसियत किसी भी सल्तनत में सुल्तान के लिए वो नहीं है जो मस्जिद के बाहर की सरज़मी पर उनका राज है तो मस्जिद के अंदर वो मुदाखलत ना करें फिर मस्जिद के बाद दूसरी चीज़ नमाज है तो नमाज़ के अंदर वो मुदाखलत ना करें और फिर तीसरी चीज़ नमाज की जमात है तो अब अगर सोशल डिस्टेंस के नाम पर इन लोगों ने कोई ऐसी हरकतें की तो ये तीन तरह दीन में मुदाखलत होगी यानी दीन की मस्जिद में मुदाखलत दीन की नमाज़ में मुदाखलत और फिर उस नमाज़ की जमात में मुदाखलत जबकि इनके जो अपने करने वाले काम हैं वो इनसे होते नहीं कि उधर रुख करें वो कोई काम करें और इधर बार बार नमाजियों को छेड़ना और फासले दरमियान के नापना और पाबंदियाँ कराना इसका बज़ाहिर तुक नहीं बनता और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इस बात को सुना जाए और समझा जाए और मस्जिदों के मुआमलात जो हैं वो छोड़ कर ये सब्ज़ी मंडी का रुख कर लें ये बैंकों की तरफ़ जाएँ ये शॉपिंग मॉल्स की तरफ जाएं ये जहाँ बरेलर मुर्गे का गोश्त बिकता है वहाँ जाकर खड़े हों वहाँ लोगों को फासले फ़ासले पे खड़े करें असल जो निज़ाम हमें हमारे अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ है उसकी तरफ ही ये लोग फिर क्यों आते हैं आज का जो मौजू है इसके मैं दो हिस्से कर रहा हूँ पहला हिस्सा जो आज है उसमें सिर्फ मैं अहादी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहता हूँ कि इसको सोचा जाए कि जिस चीज़ को ये छेड़ना चाहते हैं क्या वो ऐस के उसको छेड़ा भी जा सकता है या छेड़ने की किसी को हिम्मत नहीं करनी चाहिए जसारत नहीं करनी चाहिए कि जब वो इतनी मुकद्दस चीज़ है इतनी तयशुदा है इतने उसके फवाद हैं और ना करने पर इतनी हलाकते हैं तो फिर क्यों छेड़े हम उन तयशुदा चीज़ों को महज ये के डब्ल्यूएचओ एच ओ को राज़ी करना है तो डब्ल्यू एच ओ के मुकाबले में वहद जो है उसकी जो सियत और उसका जो हुक्म है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके मुताबिक देखना है तो फिलहाल मैं सिर्फ़ अहदीस पेश करूँगा और तमाम ओलामा को तमाम आवाम को तमाम हुकमरानों को ये दावत दूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि नमाज़ में खड़े होने का तरीका किसी मुफ्ती साहब ने बनाया था सदी पहले और आज उसमें कोई तब्दीली आ जाए तो क्या होगा ये अगर आप सोशल डिस्टेंस के नाम पर आर्जी तौर पर भी आप इसको बहाना बनाकर कि हालात ख़राब हैं ये है वो है इसको अगर लगाओगे तो इससे शायर में तब्दीली लाजम आएगी तुम्हारी ये तस्वीरें डिलीट नहीं होंगी यहूद के मीडिया से और नसारा का मीडिया हमेशा पेश करेगा कि कभी मुसलमान सफ़ की शक्ल में नमाज पढ़ते थे और कभी उनको यूँ खड़ा कर दिया गया था जैसे वो किसी कॉलेज के बच्चे कोई पीटी करने के लिए खड़े हैं या इम्तिहान देने के लिए बैठे हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए हिफाजत का इम्तहान का वक्त है और इसमें मैं हैरान मुफ्तिया ने किराम पर कि वो मसला आगे से जाके शुरू कर रहे हैं चूंकि हुकूमत ने कह दिया है चूंकि ये आरजा है चूंकि ऐसा हो गया है लिहाजा अब इस चीज को कबूल कर लिया जाए इस तौर पर मैं कहता तो हूं क्या है हालत इसकी इस तारीफ भी तो करो तुमने कैसे बना लिया हुक्मरानों के हाथ में है इसतरार बना लेना ये कोई तुम समझते हो कि वकत के यजीद हैं जिन्होंने तुम्हारी गर्दन दबा के तुमसे ये इसरार कर दिया है कि अब वरना जियोगे नहीं क्या इसको हालत इसतरारी मानो ये कैसे हालत इसतरारी है ये जिस बेस पर कहा जा रहा है वो तो शरीयत से बगावत है वो लादवा की मुखालफत है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा के गए के रब के चाहे बगैर एक की बीमारी दूसरे को नहीं लग सकती और ये मुतवातर हदीसें हैं ला अदवा मुतवातर है और अदवा की एक भी संदे सही से हदीस मुतवातर है ही नहीं एक भी जिसमें हो अली बिल अदवा अली कुम बिल अदवा अल अलमरु बिल आदवा लादवा 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 अव्वल से आखिर तक शरीयत ये है तो ये सोशल डिस्टेंस का मदार देखो किस चीज पर है तुम के तो इजरार है लेकिन वो मदार तो शरीय से मुतद अमर है आल हजरत फाजल बरेलवी रहमत के दो रिसाले कम अज कम सुन्नी मुफ्तिया ने क्राम तो पड़े वो जो मजजूम वाली हदीस का मतलब छ जवाब देकर आल हजरत ने बयान किया और वाजे किया कि अदवा मुतवातर है मुतसिल है यानी ला अदवा वाला जो हुक्म है और उसके मुकाबले में अदवा जो है उसमें ना तवातर है बल्कि लफज है ही कोई नहीं वो शरी लफज अदवा का है ही नहीं बल्कि वो उस हदीस से अखज किया जा रहा है जिसका मतलब बदला जा रहा है अगर उसका मतलब सही रखा जाए तो वहां भी लादवा है जो मतलब सारी उम्मत चौदह सदियां लेती रही है और अगर उसको बदला जाए तो फिर उससे जिमनन एक मतलब अदवा वाला निकलेगा तो जबकि लादवा मुतवा है और अदवा का लफज कहीं नहीं है हदीस मुस्तफ़ा सलम में और सरी लफज नहीं है जमन किसी से मतलब अखज किया जाए तो वो उसके मुखालिफ है जो सराहत में सरकार फरमा चुके हैं तो मैं मुफ्तिया ने क़िराम से कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस के बारे में फतवा देने से पहले इमाम अहमद रजा खा फिल बरेलवी रहा की दो किताबें इस मौजू पर आप कम अज कम फतावा रिजविया जल्द नंबर चौबीस से पढ़ लें उसके बाद कहें कि हालतें इस तरह है उसके बाद देखें कि ये क्या एक वहमी खतरे पर किसी वाजिब को तर्क किया जा सकता है और दो चार बंदों का नहीं करोड़ों इंसानों का और एक दो दिन के लिए नहीं इतने लंबे अरसे के लिए तो फिर इस पर फतवा दिया जाए सोशल डिस्टेंस की जो बुनियाद रखी गई है वह गैर शरी है तो ये इजतरार तो बनता है कि जो शरीयत में जिसे इजतरार माना जाए, तो ये शरीयत में कोई इजतरार नहीं है तो इस बुनियाद पर इजतरार को बेस बनाकर इस पर कोई फतवा देना हरगज़ जायज़ नहीं और आगे अदीस में इस वक्त सिर्फ पढ़ रहा हूँ कल की जो इन शत होगी या इससे अगली हम परसों करें या कल करें उसमें मज़ीद इस पर हक़ जो हैं वो फोकहा के लिहाज से रखेंगे सबसे पहले बुखारी शरीफ़ मुस्लिम शरीफ सिया की अहादीस सफ बनाना नबी अकरम नूर मुजस्म शफ़ी मुज़म अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हुक्म दिया गया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ़ मुस्लिम शरीफ में किताब सलाह के अंदर हदीस नंबर 124 है इससे ये पता चलेगा कि साफ़ बनाना ये नमाज़ के अंदरूनी मसाइल में ख़ुद नमाज के अंदर इसकी हैसियत क्या है? हैसबिन मालिक रजी अल्लाह तु कहते हैं सल्लल्लाहु रसूल अल्ला सव् सफ़ूक यानी ये है हदीस कौली जिसमें तखसीस का भी कोई एहतमाल नहीं सव्व सुफो फुम और ये सिर्फ सिहाबा को हुक्म नहीं क़यामत तक के मुसलमानों को हुक्म है कि अपने सफे सीधी करो फसवी तिन तमाम सला के सफ को सीधा करना तस्वीया कमाना भी अभी मुहद्दिसीन से मैं जिक्र करूंगा ये दरम्यान में खलल ना रहने देना यह भी तस्वीया है सलाह नमाज पूरी इससे होती है और जो पूरी ना हो वो क्या होती है अधूरी होती है तो सरकार ने फरमाया कि ये सिर्फ़ हुसन ही नहीं के खूबसूरत लगेंगे मेरे उम्मती यूं खड़े हुए वो भी है लेकिन असल ये नमाज़ की अदायगी के अंदर इसका ये किरदार है फ़ा न तस्वीया तसफ़ मिन तमाम सलाह के अगर सफ़ का तस्वीया तस्वीया होगा तस्विया तो फिर जाकर नमाज तमाम होगी वरना नमाज ना तमाम होगी तमाम नहीं होगी इस सिलसिला में बुखारी शरीफ़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो हदीस नंबर सात सौ तेईस बिन मालिक रदी अल्लाह रिवायत करते हैं यही हदीस सव् सफ़ुफम अपनी सफ़े सीधी करो फ इन तस्वीया तस्ुफूफ भाँता सफ़ तस्वीया सुफूफ तस्विया सुफूफ मिन इकाम सलाह कि ये नमाज को कायम करने का एक अमल है अगर को तुम चाहते हो ना कि नमाज कायम करें अकी कायम करें यानी नमाज को उसके हुकूक के साथ अदा करें तो फिर उसका ये तरीक़ा है कि साफ़ सीधी हो तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि तमाम सलात में से है बुखारी शरीफ की हदीस जो है उसमें ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिन तस्व या तस्फूफ मिन इमत सलाह नमाज की इकामत में से है अब यह सोचना है कि उम्मत इकामत सलात चाहती है या अदम इकामत सलात चाहती है तो उम्मत तो इकामतें सलात चाहती है चूंकि हुक्म है अकी मसला नमाज कायम करो नमाज की इकामत करो और इकामत जो है उसके अंदर यह है कि सफ जनी जमात की शक्ल में नमाज अदा होगी तो इस सूरत में सफ़ का तस्वे होगा तो फिर इकामत सलात होगी वरना इकामत सलात नहीं होगी इस सिलसिला में एकामत सलात वो क्या है मैं अभी इख्तिसार से ये कारी शर बुखारी इमाम ऐनी जिल्द नंबर चार सफ़ा नंबर तीन सौ तिरपन पे लिखते हैं इकामत सलात इसी हदीस की शरह में जो बुखारी और मुस्लिम दोनों से मैंने आपके सामने पढ़ी है तस्वीत क्या है कहते हैं युरा दो बिहा ए द्दुलखल अलजीफ़ यानी एक तो ये है कि नमाजी जो खड़े हैं किसी का सीना दूसरे से आगे ना निकला हो सब बराबर लाइन में खड़े हों दूसरा ये है कि दरमियान में दो नमाइियों के दरमियान कोई जगह थोड़ी सी भी खाली ना हो यह है तस्वीर कि थोड़ी सी जगह भी दरमियान में खाली ना हो यदुबा ऐदन यानी ऐदन का मतलब यह है कि ये भी मतलब एक तो यह है कि जो खड़े हैं वो बराबर खड़े हों टेढ़े ना खड़े हों और दूसरा क्या है कि उनके दरमियान में फ़ासला ना हो यानी एक बंदा दूसरे बंदे दाएं बाएं उस दोनों के साथ उसका फ़ासला भी ना हो और उनसे आगे पीछे भी ना हो अब होगा कि ये तस्विया जो सरकार ने फ़रमाया था कि ते या तो सफ़ या तस या तो सफ़ूफ़ ये एकामत सलात या तमाम सलात में से हैं उस हदीस पे अमल हो रहा है जो कि बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर संद सही से मौजूद है अब इसमें इकामत के लिहाज से मज़ीद आगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है सात सौ पच्चीस नंबर हदीस है सात सौ पच्चीस नंबर और ये बिलखसूस सुन्नत के लिए बड़ी काबिल गौर बात है और ये भी रसूल पाक सली वसल्लम के जो मुस्तकबिल के लिहाज से खुतबात हैं जैसे हमने वो करोना वाले मसले में कई अदीस में बताया कि ये सरकार देख रहे थे कि ऐसा होगा तो मैं फिर साथ ये लफ्ज़ बोलूँ क्योंकि जो सामने हैं इनका तो मसला नहीं आने वालों का मसला बन जाएगा तो रसूल पाक सली व्म की ये हदीसनसबिन मालिक ऱील्लन से जो कि हज़रत अमर बिन खालिद जो इमाम बुखारी के उस्ताद उनकी सनत से रवायत है कि रसूल अक्रम सला वसम फरमाते अकीमो सफ़ो फ़ाकुम सफ़े सीदी करो फैनी अरा वरा ज़हरी मैं तुम्हें पुशत से पीछे भी देखता हूँ पुशत से पीछे पुशत से, से पीछे पंजाबी में कहते हैं कंडी पीछे कंडी पीछे किसी ने इंज ना आँख किसी दाकंडी पीछे भी लिहाज रखो वराए जहरी कि जब मैं बज़ाहिर जमात नहीं कराऊंगा क़यामत तक के गुलामों में उस वक़्त भी तुम्हें देखूँगा इनताज़सादियाँ तो सामने वालों पर तो ये कहने की ज़रूरत भी नहीं तूने तो इशारा ही काफ़ी था ये कि मैंने देखना है मैं देखूंगा ध्यान करना सफ़ में ख़लल ना हो अल्लाह ने तो चेक करना ही है लेकिन मेरी भी शर्म रखना मैं इतना तुम्हें समझा रहा हूँ फरमाया फ़िनी अराकुम मिन मे वरा यानी यहाँ इस मौके पर सरकार ये फरमा रहे दूसरी जगह के जिसमें है कि सरकार जमात करा रहे थे और आखिरी सफ़ में एक शख्स आके शामिल हुआ और उसने नमाज़ में गलती की और सरकार ने सलाम फिरते उसका नाम लेकर बुलाया और फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि मैं जब जमात कराता हूँ तो आगे देखता हूँ मैं वाह लरा वराए जहरी मैं तो तुम्हें पुष्त के पीछे भी देख लेता हूँ वो अलीहदा मौका है वो अलीहदा हदीस है और एक में तो लफ्जी है इन्नी बादी मैं तुम्हें बाद में भी देखता रहूंगा तो अब यहाँ पर हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ये हदीस जिक्र करने के बाद आप फरमाते हैं वक आहदो ना यानी अल्लाह सिहबा को जो सरकार ने दिन सिखाया उसके पेश नज़र वकान आहदो ना युल्जिकु मन के बाहु बे मन के बे साहेबे ही व कादामा हो बेकादा मे ही कि हमें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया तो फिर इस पर हमने दवाम किया माजी इस्तेमरारी अगर मुजारे होता तो बननी थी और यहाँ अगर काना को जुल जेको के साथ लगाएं तो वो फिर यानी इस्तेमरार का ही फ़ायदा देगी काना आहदो ना जुल हम में से कोई एक यानी इस हद तक पाबंदी की कि हर कोई हम में से हमेशा ये काम करता रहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तंबी के बाद कि हम जब जमात में खड़े होते थे तो युल जिकु मन के बहू बे मन के बे साहेब ही कि वो अपना कंधा अपने साहिब के कंधे के साथ मिला के रखता इल्जाक का ये मतलब है कि फ़ासला इंच भी ना हो मिला हुआ हो क्लोज़ कंटेक्ट फासला बिल्कुल ना हो और साथ इसका कदम अपने दोस्त के कदम से मिला हुआ हो यानी दाएं बाएं जो दो साथी हैं उनके लिहाज और इसमें फिर फोकहा ने भी वजाहत की शारहन ने भी और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है गैर गैरमदी जो अपने आपल हदीस कहलवाते हैं उनके लिहाज से कि ये जो बर शग़ी के ग़ैर मुखलिदीन हैं जो प्रकार की तरह टांगे फैलाए जाते हैं इस तरह करके तो अगर इतनी टांगे फैलाई हों तो वो तो कंधों के नीचे से कहीं दूर चली जाती हैं तो फिर कंधे तो मिल ही नहीं सकते जब वो दोनों तरफ अपनी टांगें फैलाते जाते हैं शरीयत जाहिर करने के लिए तो जब इस हालत में वो खड़े होते हैं तो कंधा तो बेचारा यहाँ तक एक है यहाँ दूसरा है तो वो कंधे आपस में मिल ही नहीं सकते जब कदम इनके नुक्ता नज़र पर मिलाए जाएं, तो कंधे नहीं मिलते और वो नारा ही बुलंद करते कि कदम को टखनों को टखने के साथ मिला लो जबकि उससे पहले है कि कंधे को कंधे के साथ मिला के फिर जितनी गुंजाइश बनती है तुम्हारी जसामत के लिहाज से कदम भी कदम के साथ में ला लो और वो बंदा खड़ा हुआ मोतदिल भी मुनासिब भी मौजों भी लगता है और इनकी जो सूरत हाल बनती है वो तो नमाज़ के एतदाल के भी मुनाफी है इस वास्ते इस हदीस पर मोहम्मद बिन सासैमिन ने भी जो लिखा है वो बर सग़ीर के सारे वहावियों के ख़िलाफ़ है उसने कहा कि ये कोई तरीका नहीं कि ये टांगें यूं फैला दी जाए कि कंधों के तवाजों से भी ज्यादा फैल जाएं तो फिर तो कंधे लग ही नहीं सकेंगे तो असल हुक्म तो कंधों का लगाना है और नीचे पाँव तो इनके ताबे हैं चूंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंधे तो लग रहे हों और नीचे से कदम से दोनों साइडों पर ना लग सकें वो तो जरूर लगेंगे जब कंधे लगे हुए हैं तो दरमियान में फासला भी उतना ही होगा जितना अहनाफ कहते हैं तो बहरहाल ये उनके लिहाज से एक वजाहत है कि वो दावेदार हैं हदीस पर अमल के लेकिन बुखारी में जो नारा है वो कंधे को कंधे के साथ मिलाने का पहले है और कदम को कदम के साथ मिलाने का बाद में है जो कि ताबे है इसके कि पहले कंधे को कंधे के साथ दोनों तरफ मिला लिया जाए और उसके मुनासिब जो है वो नीचे अपने पांव जो हैं उनका लिहाज रखा जाए और उनको दरमियान में फ़ासला दोनों कदमों के दरमियान रखा जाए बहरहाल कान अहदुना ना यू मन के बहू बे मन के बे साहिब ही व कदम बेकादम साहिब ही तो ये हैं सिहबा रदील तैन जिन्होंने सरकार दो वसल्लम से तरीक़ा सीखा और फिर उस पर डट गए और ये यानी हमारे पास इमाम आजम अब वनीफा से आई हुई बात होती और जाहिर है कि वो दलील से आनी थी और उस पर फिर उम्मत का कई सदियों का तामल होना था हमने उसमें भी तब्दीली नहीं करनी देनी थी किसी को कि वो तब्दीली करे हक़ नहीं देना था ये तो ख़ुद साहिब शरीयत का फरमान है और हदीसे कौली है सही है मरफू है मुतवातर है तो इसको किस लिहाज से बक जुम कलम तरक कर दिया जाए और यूं तरक कर दिया जाए कि इस पर अमल को गुना करार दिया जाए क्या अगर कोई ऐसा करेगा तो वह गुनागार होगा ये किस बेस पे कहा जा रहा है और ये जो मुतफिक हुए हैं उन पर भी जवाब लाजिम है कि जो रसूल पाकलीसम का फरमान है अब उस पे कोई अमल करता है तो उसे तो ताना मिलेगा कि तुम गुनाह कर रहे हो और कुछ बेखबर कह रहे हैं कि इजमा हो गया है और उन नादानों को पता ही नहीं कि जहां पहले कुरान सुन्नत मौजूद हो उसके खिलाफ किया हुआ इजमा इजमा होता ही नहीं है उसकी हैसियत क्या है कि उसे इजमा कहा जाए और फिर उस के खिलाफ को गुना कहा जाए तो ये तो बहुत बड़ी जसारत है कि रसूल पाक अलैहि वसल्लम का जो दिया हुआ तरीका है उस पे अमल करना है अब उस पर अमल करने को गुनाह करार देने वाला जो है अमल है इस पर किस किस ने दस्तखत किए हैं और यहां यह क्यों नहीं कहा गया कि अगर तुम एहतियात करवाना भी चाहते हो तो उसे एहतियात तक रहने दो अगर उसका जवाब बनता भी है तो ये तो टकराव है कि सरकार फरमाते हैं यूं खड़े होना है और यह नमाज का हिस्सा है और सहाबा कहते हैं हमने यही सीखा है और ये दीन के शायर हैं और इस पर चलना है और आज ये होगा कि जो अब वो मस्जिद में करेगा तो अनपढ़ भी कहेंगे तुम तो इजमा के ख़िलाफ़ कर रहे हो तुम्हें तो गुनाह होगा हमने ये सुन लिया टी वी पर तो ये किस कदर उस बंदे के लिहाज से और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ अनवर में जिंदा और वाबिंदा देख रहे हैं अपने गुलामों को इन नीला आराकों में वर झारी कि मैंने जिस चीज को इतना समझा था मेरे बताए हुए तरीके को कौन गुना करार दे रहा है मेरे बताए हुए तरीके पर किसने किस अंदाज में इसके खिलाफ किसनेजवा कैम कर लिया है तो रसूल पाक अलैहि वसल्लम का ये फरमान और इस पर का अमल ये सही बुखारी शरीफ से मैं पेश कर रहा हूँ तो ये नमाज़ हमारी ऐसी नहीं है कि जैसे कोई आज कैंप लगाया जाए और उसमें कोई किसी इदारे में कि यूँ ट्रेनिंग करनी है यूँ पी टी शो करना है उसके ये तरीक़े हैं या कोई किसी का कन्वोकेशन हो तो उसके लिए रिहर्सल की जाए कि यूँ लेनी है दस्तार यूँ उतरना है यूँ जाना है यूँ बैठना है यूं वार्ड पहनाया जाएगा यूं चला जाएगा ये फिक्स चीज़ें हैं और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्मत को आखिरी दीन में आखिरी शरीयत में नमाज के तरीक़े के मुताबिक फरमाई हैं और यूं सनद से ये साबित हैं ये फुकाहा की बातें नहीं हैं अगरचे वो भी हमारे सर का ताज हैं मगर अवलीत जो कुरान सुन्नत को है उसके लिहाज से ये हमें पहले देखनी है और इस पर फिर आगे फकाहा की तशरीहात भी देखनी है। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल भी सही मुसलम में मौजूद है सफ़ों को सीधा करने के लिहाज से हज़रत नोमान बिन बशीर कहते हैं कान रसूल सल्लाफू फना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारी सफ़े सीधी किया करते थे यानी सफ़े सीधी अब आगे जुमला आ रहा है कि किस पर भी सरकार थोड़ी सी वहां पर अगर गफलत होती तो कितना नाराज होते यानी ये बिलावजा नमाज का हिस्सा नहीं अभी इसका अजर देखोगे तो फिर भी पता चलेगा कि वाक़ और इस पर जो सरकार दुआलम सल्लम ने पाबंदी करवाई है और फिर का आइमा पर लाजिम है कि वो सफे सीदी कराया करें आप तो इमामों को कहते हैं ना कि तुम तो मस्जिद से बाहर निकालो ये जो पहले आप दौर गुजरा है माजल्ला इब्तला का के पांच के बाद बाकी को निकालो और अब ये कह रहे हैं कि दरमियान में सोशल डिस्टेंस के लिए उनको खड़ा करो अब एक ड्यूटी मस्जिद के इमाम की मदीना के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है और उनके मुकाबले में कौन अपनी तरफ से फरमान जारी करना चाहता है उसे भी तो ये सोचना चाहिए यहाँ रसूल पाक अलैहि वसल्लम का ये फरमान युसवी सफ़ूफना श्याबा कहते हैं सरकार हमारी सफों को का तस्वैया करते थे कैसे हत्मा युसवी बेहल केदहा जो तीर होता है ना बड़ा सीधा होता है यानी तीर का सीधा होना लोग कहते हैं तीर की तरह सीधा है तीर यानी एक तो कमान से निकलने के बाद है ना निकलने से पहले यानी तीर तीर बनता ही तब है कि जब वो लकड़ी जो उसमें लगाई गई है वो बिल्कुल सीधी हो अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो किसी खाते का तीर नहीं होता तो फिर तीर के सीधा होने के लिहाज से सफ़ों को सीधा किया जाता था इस तरह आगे रख के सीनों के तो चूँकि तीर खुद सीधा है तो आगे जो चीज़ खुद सीधी हो उससे और चीज़ों को सीधा किया जाता है यानी उसकी वो जानब जिस पर चमड़ा चढ़ाया हुआ है वो जहाँ उसके पर लगी हुई है जिस तरफ फाला लगा हुआ है तो बाकी के साथ इस तरह सरकार सफ़ों को सीधा करते थे और इस हदीस में तो यह है कि गोया के सफे इतनी सीधा होती जाती थी कि गोया सफों की मदद से तीर को सीधा किया जा रहा है जिस कहा जा जाता है ना कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हकीम उलम्मत रहीम इतने वक़्त के पाबंद थे इतने वक़्त के पाबंद थे कि गुजरात के लोग अपनी घड़ियों के टाइम उनके गुज़रने से सही करते थे कि मुफ्ती साहब पाँच बजे गुज़रते हैं देखो अब मुफ्ती साहब गुज़र रहे हैं देखो घड़ी पाँच पर है या पीछे है यानी इतनी उनकी पाबंदी गुजरात में मशहूर थी कि मुफ्ती साहब आगे पीछे नहीं हो सकते घड़ी आगे पीछे हो सकती है यानी वैसे तो घड़ी पर लोग चलते हैं लेकिन जब किसी वसफ़ में कोई कमाल तक पहुंच जाए तो फिर वो चीज़ें उसके साथ चलाई जाती हैं तो यानी इस कदर वाजी हो गया सफ़ों का सीधा होना कि गोया के सफ़ों के जरिए तिरों को सीधा किया जा रहा था तो नबी अक्रमर मुजम शफी मुआजम वसल्लम का ये अमल काना बिहल बेहल इन सफ़ों के जरिए से तीरों को सीधा करते थे यानि ये एक जो मुबालगा वाला माना है अन्ना कद अकन्ना अन हो सरकार उतनी देर ये करते रहे जितनी देर सरकार को यकीन नहीं हो गया कि अब मेरे से अबा को बात पक गई है यानी अमल इनका पक्का हो गया है अब ये इसमें सुस्ती नहीं करेंगे अब इन चीज़ों को भी तो देखना चाहिए सरकार का इशारा अबरू काफ़ी है यहाँ हदीसे कौली भी हो एक बार नहीं बार बार हो फिर अमलन ये काम करवाएं और फिर कितनी देर तक करवाएं सिबा कहते हत्ता रहा यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देख लिया अन्ना कद अकल ना अन हो कि फिर हमने सरकार से ये फलसफा समझ लिया है ये सरकार के जेन में ये बात पक्की हो गई है कि अब इन्हें मजीद समझाने की ज़रूरत नहीं ये बिल्कुल इस पर पक्के हो गए हैं सुा यौमन फिर एक दिन सरकार बाहर तशरीफ लाए आ चेकिंग थी हत युकबर हो यहाँ तक कि मुसले पे खड़े होकर करीब था कि तकबीर कहें फरारन यानी देखा सफ़ को तरफ के जो मैंने तरीका बताया था उस पर सारी सफ़ सफ़े सारी सही बनी हुई हैं एक बंदे का सीना सिर्फ सफ़ से आगे था सिर्फ एक का पूरी मस्जिद की सफ़ों में एक, कसीना एक का सीना आगे था फरा रजुलन बदयन सदरुहू मिनफे मेरे आक सलात ने एक शख्स को देखा दरा हाल कि उस शख्स का सीना सफ़ से थोड़ा सा आगे निकला था ज़ाहिर हो रहा था नहीं एक लाइन नहीं बन रही थी तीर सराह ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ था फ़काल इबादल्ला तवफ़ू फ़कम ओला तुमने सी सफ़े सीधी करनी है या फिर अल्लाह अपना आज़ाब लिया यानी दो ऑप्शन में से तुम कौन सा चाहते हो अब शिद्दत थी मजीद ये मैं गुफ्तगु के आखिरी हिस्से में ये तुम मुरादी माना बयान किया इसके लघवी अला और मुरादी माने जो हैं वो आगे बयान करूँगा कि वईद इस पर अब यह है कि पढ़ाया सिखाया पकवाया और उसके बाद फिर चेक किया और एक बंदे की सिर्फ गलती निकली और वो भी सिर्फ सीना ज़्यादा आगे था तो सरकार उससे में आ गए या इबाद अल्लाह कहकर उन्हें मज़ीद आगे जो धमकी दी वईद दी वो वहीद भी जहन में रखनी चाहिए कि आज कौन छुट्टी दे रहा है किस काम की छुट्टी दे रहा है और सरकार किस अमर की मुखालफत पर इतनी सख्त वई सुना रहे थे तो अब यहाँ पर यह हदीस शरीफ अभी तस्विया के लिहाज से है तस्विया तस्वैया इसमें मज़ीद जो अल्फ़ाज़ हैं वो मजीद बयान करके फिर आगे बात को चलाएँगे जो सुनने नसाई है उसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक नहीं कई बाबुल इमामा बाब बाप में इमाम रावी हैं हज़रत अबू मसूद रदी अल्लाह तु कहते हैं हदीस नंबर है आठ सौ छः सोनसाई में कान रसूल्ला यम साहो मना के बना फिस के रसूल पाक अलैहि वसल्लम जमात कराने से पहले सफ़ बनाते हुए सफ़ बनवाते हुए हमारे कंधों को हाथ लगा के सीधा करते थे यम सहो मना के बा ना मना के बा ना यानी हम में से हर एक के जो कंधे हैं उनको छूते थे यानी सीधा करते हुए गुजरते हुए तो ये भी हमारी गैर मुखल्दीन के मुकाबले में भी दलील है और आज के हालात में भी कि कंधा कंधे से मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ आगे है किसी का या पीछे है ये चेक कर रहे हैं रसूल पाक अलैहि वसल्लम यम सहु मना की बना व यकूल और फरमाते थे ला तख्त इस मसले में कभी भी इख्तिलाफ ना करना क्यों इसका नतीजा बहुत सख्त निकलेगा अगर इख्तिलाफ करोगे तो वो वईद वाली हदीसों में आ रहा है यानी ये हकीम जानता है कि पाओ के तलवे में किस उंगली पर क्या मालिश करें तो दिमाग के कौन से हिस्से पे जाके असर करती है या किसी की आंख में माजल्ला कांटा लगा हुआ हो तो एड़ी पे अथोड़ी मारें तो वो निकल जाता है सरकार ही जानते हैं कि ये सफ़ों में खड़ा होना इसका असर मिल्लत के किस मकाम पे जाके पड़ता है यानी सेहत के लिहाज से और अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर नुकसान कितना हो जाएगा ये उन्हें ही पता है ये नहीं कि आज कोई गैस में क्या पड़ा है कोई आगे खड़े हो जाए कोई पीछे खड़े हो जाए अभी मैं वो हदीस बताऊंगा कि जब सरकार सल्लल्लाहु अला वसलम ने फरमाया था कि इमाम से पहले सर ना उठाना कहीं ऐसा ना हो कि सर गदे वाला बन जाए अब बीन तो ये कहते थे इसमें क्या पड़ा है ईमान भी तो बंदे ही है ना उससे पहले सर उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा लेकिन जिसने उठाया फिर मजा चखा उसने तो आज फिर गारंटी भी इन लोगों को देनी पड़ेगी हुक्मरानों को और मुफ्तियान को कि अगर सरकार की सुनाई वईद के मुताबिक कल किसी का बूथा पीछे लग गया इस अमल की वजह से जो सरकार ने धमकी दी है कि अगर तुम सफों में खलल रखोगे दरमियान में फासला रखोगे या टेढ़ी रखोगे तो अगर मुंह किसी का सामने के बजाय पीछे पुष्ट के लग गया तो फिर मुझे ना कहना ये हुक्म सरकार का मौजूद है तो फिर लोगों को ये समझाने से पहले ही उनको ये बताओ भी कि यूं भी हो जाएगा हो सकता है और ये कोई मेरी धमकी नहीं ये सरकार मदीना का फरमान है सही बुखारी में है मुस्लिम में है दीगर किताबों में तो तो यह भी फिर मुफ्तिया कराम सोचे कि जिस काम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी धमकी दे रहे हों और ऐसी वही सुना रहे हों तो क्या वहाँ पर कोई किसी को इजिहाद का भी इख्तियार बाकी रह जाता है कि वो अपनी तरफ से इजतहाद करके छुट्टी दे ले और फिर उससे बढ़ करके जो सरकार के हुक्म के मुताबिक करे उसे कह कर रहा है यह तो गुनाह कर रहा है और यह तो इजमा की खिलावर्जी कर रहा है उनको ताने दिए जा तो अभी हदीस के ये अल्फाज बुनियादी जो हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसके बाद अगली सूरत की वजाहत होगी तो यहाँ पर ये अल्फाज भी मौजूद हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ये भी इस उम्मत की शान है हदीस नंबर 815 सौ नसाई में है यही हदीस मुस्लिम शरीफ में है यही हदीस शरीफ सुनबी दाऊद में है यही सुन बिनजा में है यही मुसन्द इमाम अहमद में है क्या हदीस शरीफ़ है हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तु कहते हैं खाराजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अगली बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जब जो ये, ये कोरोना का मसला चला है और कुछ लोगों ने बाजियां शुरू की हैं और तजदीद का धंधा शुरू किया है और ये इंडिया वालों को सुनना चाहिए समझना चाहिए यहाँ हमारे आपस के मामलत हैं हमें वहाँ के लोगों की अभी ख़बर नहीं कि वहाँ के क्या मामला हैं और हम जिसे कहते हैं फिर उस पर डट जाते हैं और साबित करते रहते हैं कभी लफ्ज कोई वापस नहीं लेते पहले ही सोच के कहते हैं अल्लाह के फजल से ज़मनन बात आ गई वज़ी अजम कह रहे जितना ख़तरा था कि लोग फौत होंगे उतने नहीं हुए और जितना ख़तरा था नुकसान का उतना नहीं हुआ और हमने पहले दिन से ये कहा था जब तहरुल कादरी ने ये कहा कि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि यूरोप के लोग तो बड़े शा वाले हैं और उन्हें ये परहेज़ करना ये सभी चीज़ें उन्हें तो मालूम है लेकिन ये पाकिस्तान वाले जो हैं ये बेषूरे हैं माजल्ला यानी बेषरा लफज़ ज़िमनन उसके मुकाबले में वो तो शुरूर वाले हैं और इनको समझाना चाहता हूँ ताकि ये इसको समझें ये परहेज़ करें ये ये करें ये वो करें तो मैं तहरकरी से पूछता हूँ वाले रोज़ाना दो ढाई हज़ार मर रहे हैं तेरे शूर वाले शौर और जिन्होंने तो्क्ल किया है अल्लाह के फजल से मौजें कर रहे हैं यानी इतने लोग पाँच दस तो ये एक आम सी बात है चाहिए हम तो करते एक भी फौत ना हो लेकिन वबा तो उसे नहीं कह सकते कि जिसमें चार बंदे पूरे मुल्क में फ़ौतों दस बंदे फ़ौत हों उस चीज़ को वबा भी नहीं कह सकते अगर बाकी वबा क्या है क्या नहीं है और फिर वबा और मतदी मर्ज़ का फ़र्क क्या है वो बाद की बातें लेकिन इतना तो उस शख्स को हया करनी चाहिए और मुसलमानों को सोचना चाहिए क्या शूर तहजीबे के कफश बरदारी में है या शूर मदीना मनवरा की गलियों की बहारों में है यानी ये ताना देख इन्हें तो कोई शूर नहीं और वह बड़े शौर वाले हैं तो अपने शूर से रोक के दिखाएं करोना को न्यूयॉर्क फ्रांस ये सब आप रोजाना की रिपोर्ट देखें और इस इसमें भी अभी हमें तो मैं नहीं कहता हतमी तौर पर पता नहीं रिपोर्ट में भी किस कदर धोखे होंगे धांधलियाँ होंगी कोई मरता भी है या नहीं मरता हम इनकी रिपोर्टों पर भी कोई एतमाद नहीं करते लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है पूरी दुनिया पर उसमें ये जितने लोग नमू से रिसालत के बागी थे वेस्ट के आज चीख चिल्ला रहे हैं अपनी ज़ुबान से कहीं दो हज़ार कहीं अढ़ाई हज़ार कहीं चार हज़ार रोज़ाना के और इधर जिनको ला बेशौरी का ताना दिया जा रहा था अल्लाह के फ़जल से ठीक ठाक है कोई बात नहीं अब यहाँ पर मैंने पहले दिन ये कहा था कि यानी ये जो हमारे मामलात हैं ये इनके पीछे एक ईमानी फ़लसफ़ा है और सफ़ों के मसले पर भी मैंने कहा कि ये कोई बाद वाले लोगों पर नहीं छोड़ा गया कि बंदे कैसे खड़े हुए अच्छे लगते हैं वैसे खड़े कर लो बल्कि ये बड़े अजली फैसले अब ये हदीस शरीफ जो मुस्लिम इबन माजा सुन नसाई अबू दाऊद यानी सियासित में से चार के अंदर और इमाम अहमद मुसंद और दीगर में सैकड़ों किताबों में मौजूद है उसमें यह है कि हजरत जाविर बिन समरा रदी अल्लाह तु कहते हैं खाराजा इली ना रसूल सल अल्लाम सरकार हमारे पास तशरीफ़ लाए फ़क ला फरमाया अ तुन कमा तसफुल मलाई का तो इंदा रब हिम सिहाबा क्या ऐसे सफ़े नहीं बनाते तुम जैसे फरिश्ते रब के हां बनाते हैं क्या तुम ऐसे सफ़े नहीं बना लेते अला तस्फू ना कमा तसफुल मलाई का तो इंदा रब हिम इंदा रब्बे हिम अपने रब के हाँ अब इंदा का भी मतलब हमें करना पड़ेगा अहले सुन्नत जिस तरह समझते हैं ना कि मुजस्मा और मुत्तला और इब्ने तहमिया मुराद ए फी महल क़ुरब ही व कबूल ही यानी अल्लाह के कर्ब कबूल में अल्लाह के कुरब कबूल में जैसे फरिश्ते सफ़े बनाते हैं सिहाबा क्या मैं तुम्हें ऐसा तरीका ना बताऊँ क्या तुम ऐसे सफ़े नहीं बना लेते और ये गुफ्तगु खिताब और तबलीग का अंदाज़ भी है कि एक था यही जो अगली हदीस सरकार बनाना चाह बताना चाहते हैं कि यूँ सफ़े बना लो तो डायरेक्ट वो बात भी फरमा सकते थे और उस पर भी सबको यकीन होता वो भी राइज होती लेकिन किसी के अंदर पहले कोई शौक़ पैदा करना सवाल करके उन्हें बेदार कर लेना और उन्हें तरगीब दे देना तो इसका एक अपना ही अंदाज होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब इस्तीफाम की अला तस्फूना कमा तसफुलमलाया तो एक तो इसमें हुसन है कि मलायका का सफे बनाना अगर चे बदर में बनाएं ओहद में बनाएं लेकिन आगे इन बहम जो सबसे बड़ा दरबार है उस दरबार में फरिश्ते जैसे सफे बनाते हैं अब इससे आगे तो फिर कोई बात ही नहीं सफे बनाए फरिश्ते और बनाएं कहां अल्लाह के कुर्ब में मरतबा कबूल में तो क्या सिहाबा तुम ऐसी सफ़े बनाना चाहते हो तो ये है अमरे तश्री से पहले अमरे तरगीबी इन अल्लाह व अलन नबी जैसे अगला हुक्म या वसलमू यादी सल्लु सलह वसलम असल मकसद तो वहाँ से था कि ईमान वालों तुम सलात भी भेजो सलाम भी लेकिन उससे पहले जो ये जिक्र किया अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं तो ये था सारा अमर तरह और दूसरा था अमर तसरी तो ये सफ़ों का मामला भी रब ने इतना अहम करार दिया और रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने कि यहाँ डबल अमर आया डबल अमर आया पहला अमर तरगीबी है दूसरा अमर तशरी है यानी ये अमर तरगीबी में हुक्म ना भी हो अमर का सीगा तो फिर भी सुनने वाला करने को तैयार हो जाता है यानी अगली बात हमारे यहाँ ना भी फरमाते तो सिबा कहते आज मालूम हो गया है कि फरिश्ते जो हैं वो सफ़ बनाते हैं और फिर वो तरीका हमें चाहिए कि जिस तरह वो सफ़ बनाते हैं और फिर वो जो अल्लाह के दरबार में वो सफ़ बनाते हैं तो ख़ुद उनकी तरफ़ से ये मुतालबा भी आ जा जाता अगर सरकार ना फरमाते हुकम तो यहाँ सरकार ने ख़ुद ये फरमा के कालू व कैफ़ा तस्फुलमलाई का तो इंदर बेहम महबूब आप इर्शाद फरमाओ फिर फरिश्ते रब के हाँ सफ़े कैसे बनाते हैं सिहाबा ने पूछा और ये सब कुछ हम ही बयान कर सकते हैं आल सुन्नत यानी जिन्हें ये हो कि माजल उन्हें दीवार के पीछे का पता नहीं उन्हें सात आसमानों के पार सफ़ों की क्या खबर उनके बकौल लेकिन ये हमारा अकीदा है कि नबूवत सिर्फ रकतें नमाज की बताना नहीं सफ़ों की मुनासबत बताना भी है कि किस से मुनासबत परदाए गैब में करोड़ा हिजाब के पीछे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाबा ने पूछा वकीफा तस्फुलमलायक तो इंदा रब्बिम महबूब कैसे फरिश्ते अपने रब के यहाँ कैसे सफ़े बनाते हैं जो फल सफ़ियों से खुल न सका और नुकता वरों से हल न हुआ वो राज इक बतहा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में क्या मत तक कि टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती थी अप्रोच ही नहीं कि फ़रिश्ते रब के दरबार में और ना पहली शरीयतों में ज़िक्र था जो इस तशरी के साथ पहुँचता इस अंदाज़ में तो सहाबा से जब पूछा ज़ाहिर है कि ये वो लोग हैं कि जो मबलग इल्म जिनका अपना बहुत ज़्यादा है तो सहाबा ने पूछा यार रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाएं फरिश्ते किस तरह सफ़े बनाते हैं काश के आज के मुसलमान को ये पता हो कि उसका नमाज़ में खड़ा होना ये किसकी तस्वीर है और नमाज में खड़े होने का जो तरीका है ये कहाँ से उतर के आया है और इसको किस किस ने पसंद किया है और इस पर कितने करोड़ों फरिश्ते पैरे दे रहे हैं जब मेरे आकाश सल वम से हाबा ने पूछा फरिश्तों का क्या तरीका है अल्लाह के यहां सफे बनाने का काला तो मेरे आकाश्ला ने फरमाई यू तिमू न सफल अव्वल यानी एक तो वो यह है कि सफ में खड़े होते हैं सफ में गुलाई में नहीं सफ में खड़े होते हैं और फिर फरमाया जब तक पहली पूरी ना हो जाए दूसरी शुरू नहीं करते और फिर जो अब मौजू है खास तौर पर सुम्मा या फिर फरमाया आधी इंच का भी दरमियान में फर्क नहीं रहने देते या यूना इसकी अब मुखालफत हो रही है या यारासना की कि अगर दरमियान में सिर्फ एक फुट का फासला हो सिर्फ एक का तो फिर भी खिलाफ वर्जी है यह तू तीन इंच का भी हो तो फिर भी खिलाफ वर्जी है एक इंच का हो फिर भी खिलाफ वर्जी है तो अब मसला यह है कि इस उम्मत को फरिश्तों का वो अंदाज दिया गया जब उनका रब के दरबार में है पांच नमाजों का वक्त इस उम्मत को वो दिया गया जो नबियों की रब से मुलाकात का वक्त था अम बियालाम का जो वक्त था उम्मतों का नहीं था वो सुप्रीम टाइम अल्लाह ने इस उम्मत को दे दिया मुलाकात के लिए तो इस बुनियाद पर मेरे आका सल्लाम ने फरमाया मैं फिर खाकिों को तरीका भी नूरी वाला समझाता हूँ कि तुमने यूँ खड़े होना है ये तुम्हें सफ़ हैं आम किसी तरह से नहीं दी गई ये फरिश्तों की अदा है अल्लाह के दरबार में तो तुमने इस तरह खड़े होना है सफ़ में होना है सफ़ मुकम्मल करनी है फिर दूसरी होगी और फिर यह है कि यूना फिर सफ़ के वो आपस में खड़े होते हैं तो कंधों के दरम्या जो उनकी शान के मुताबिक हैं ये नहीं कि कल कोई लिबरल ये पूछना शुरू कर दिया वो उनके फिर फुकंदे बताओ हमें जो शरीयत ने बताया हम उस किताबें हैं यरासू न लफज दिखाएंगे खा कोई सी करे या सू करे यू न और इसका माना भी दिखाएंगे अब यरासू न इसी से है बुनियान मरसूस सीसा पिलाई हुई दीवार शीशा पिलाई हुई दीवार बुनियान तो दीवार है मरसूस है कि वो दीवार के जो बिल्कुल जाइंट हो और उखाड़ना बड़ी मुश्किल हो युका नफीस सबी कन्म बुनियान मरसूस तो ये है रस्सूफ रस्ोफूफ इसलिए इमाम मुसैम ने तो पूरे बाब का नाम ही रस्ोफूफ रख दिया रस्ोफूफ और वो बाब जो है बाब रसोफूफ उन्होंने इसके अंदर ये अहादीस ज़िक्र की और वहाँ पर जो हदीस नंबर 119 है वहाँ ये है अला न कमा तसफ़ुलमलाई मलाइका इंद रबिहा यानी वो सियासत में से चार में से तो मैंने पहले जिक्र की तो मुस्लिम में भी है और क्या तुम ऐसे सफ़ नहीं बनाते कि जिस तरह फरिश्ते अपने रब के यहां सफ बनाते हैं फकुल ना फकुलना या रसूल सल्लाम वकीफ मलाइका तो इंदा रबे फरिश्ते अपने रब के पास कैसे सफ़े बनाते हैं काला यू ओवाला, नोवला तरासू नफ ओवल यानी सारी पहली सफ़े क्योंकि एक है दूसरी है तीसरी है अब जहाँ पर मसल 20 सफ़े हैं तो अब अल ओवल में तो बहुत सी आ जाएंगी क्योंकि ओवल का जो कोटा है वो अलहदा है मैं अभी हदीस से वो भी बताता हूँ तो इस तरह वो सफ़े पहली मुकम्मल करते हैं क्योंकि पहली सफ़ों का कोटा अल्लाह की तरफ से अज़र का जुदा है और इनको मुकम्मल करने में तरीक़ा उनका क्या है वह या तरासू नफी सफ़ और सफ़ों के दरम्यान खलल नहीं रहने देते सफ़ों के दरमियान बिल्कुल खलल वाके नहीं होने देते तो इस बुनियाद पर हुक्म दिया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन अमूर का अब यहाँ पर ये सारे लफज तो नहीं लेकिन रस सफ़ूफ़ का बुखारी में भी हुक्म है बुखारी शरीफ के अंदर रसूल अक्रम स ये फरमान है तर्जमतुलबाब है बाब इकबाल इकबासा इंद तस्वियत सफ़ूफ कि इमाम का लोगों की तरफ मुतवज़ होना इन वैसे तो किबला की तरफ मुकर के खड़ा था लेकिन सफ़ों की निगरानी के लिए लोगों की तरफ मुतव होना इंद तस्वियतफ़ूफ सुफ़ूफ का खलल ख़त्म करने के लिए और उनका सीधा होना उसकी निगरानी के लिए यहाँ हज़रत ज्यादा बिन खदामा और दीगर रावी जो हैं वो चलते चलते हज़रत अनस बिन मालिक रज़ील्ल्ला त से यह हदीस रवायत करते हैं कहते हैं उकीमत तला तकबीर हो गई फाकबाला अली न रसूल्ला सल्ला व्ल्लम में वजह ही तो रसूल पाक सल्ला व्ल् ने चेहरा हमारी तरफ फेरा क्या किस्मत थी उन लोगों की जिन्हें चेहरा फेर के सरकार देखते थे माब पा थी क्या उन लोगों की किस्मतें हिस्से में जिनके आई ये बेताब सोबतें अकीमू व वास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे देखा फरमा सफे सीधी कर लो व तरासु जिस तरह लोहा पिलाई हुई दीवार होती है यूं बन जाओ तरासु कंधे से कंधा इस तरह मिला लो कि दरमियान के अंदर कोई मामूली खलल भी न रहे खाली जगह थोड़ी सी भी न रहे तरासु 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 यह है रस्सफूफ कि ऐसा करो अब ये बुखारी में है मतलब अगर कोई देखना चाहे रस् सफूफ वाली अहादीस एक नहीं कई मजमू तौर पर सैकड़ों माखे से दिखाई जा सकती हैं कि जिस जिसमें रसुल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सीगे अमर के साथ हुक्म देकर और फिर तस््री अमर से पहले तरगीबी तौर पर मुख्तल मकाम पर ये इतना अहम मसला था हरमाया कि यहाँ जब इख्तलाफ होगा या इस पे अमल नहीं होगा तो बात सिर्फ नमाज तक नहीं रुकेगी उम्मत की किस्मत पर जाके जरब लगेगी इस वास्ते यहाँ तब्दीली ना होने देना सफू फकुम व तरासु तरासू अब यहाँ पर तरासु का माना भी मैं बताने के लिए ये फ़तुलबारी शर बुखारी में उन्होंने लिखा है इसी हदीस के तहत जल्द नंबर तीन है जो दो है उसके लिहाज से जल्द तीन में ये बताया सफ़र नंबर दो सौ पैंसठ पर तरासु तरासु ए तलासकु ब़ैर ख़लन ब़ैर ख़ल असल में तफ़ाउल है और एक ता गिरा हुआ है यानी असल माना बनता है तातलासकु तातलासकु अमर और एक ता कमा फ़ी कानून जा खी वाली एक ता गिर गया है तो अब है तलासकु तो ये जो लाम स्वाद और काफ़ ये तीन हरफ जिस लफ्ज में आते हैं उसमें आपस में जाइंट होने का माना पाया जाता है लाश का ये जो टेप होती है लश का ये जो बड़ी टेप जिससे वो बड़े बड़े कार्टन जो हैं वो जोड़ते हैं उन पर लगाते हैं तो ये अब जदी दरबी में भी इस तरह इसका, इसका इस्तेमाल होता है तो रसूल पाक सल व फला तरासु यानी इतना करीब कंधा रखो कंधे के कि लगे कि आपस में चिमटे हुए हैं कंधा कंधे से जाइंट हो गया है चिमटे हुए हैं ये हुक्म सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं सहाबा यूं सफ बनाओ जैसे फरिश्ते बनाते हैं और फरिश्ते रस से सुफूफ है वहां पर और हुक्म दिया फिर ये बुखारी में जो अदीज़ का वो हिस्सा तो मौजूद नहीं लेकिन तरासू वाला फरमा इमाम की ये ड्यूटी है। इमाम ऐसा करवाए अब सरकार इमाम को कह रहे हैं इमाम बुखारी उसका यह तर्जमतलब बयान कर रहे हैं और आगे ये हुक्म वाज तौर पर दिया अकीमु सफो फुम व तरासू फैनी अराकुम मे वराय जहरी ये ना समझना कि तुम्हारी यूं सफ़ों को कोई देख नहीं रहा मैं देखता रहूँगा जब भी क्या मत तक बनाओगे तो मेरी आंखों के सामने रहोगे यानी किसी कारकुन को भी ये इंतज़ार है कि मेरा कायद मुझे देखे जो हुक्म दिया था कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ खुशी है तो उम्मती को किस कदर ये पसंद है कि मेरे रसूल वसल्लम मुझे देखें कि जैसे फ़रमाया था मैं वैसे ही कर रहा हूं तो सरकार ने तरासू फरमा के फरमाया फनी अराकुम को मरा मैं तो पुश के पीछे भी देखता रहूँगा तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्म शफी मज़्म सल् वसलम की ये अदीस आपके सामने अभी मैं अख्तसार से पेश कर रहा हूँ कल तफसीलात इनकी सामने आएंगी अब सिर्फ़ टेक्स्ट एक दो हदीसों का इस लिहाज से भी बता दूँ कि इसके फ़वाद और वईद ज़्यादातर वईद की तफसील कल में होगी कल के दर्स के अंदर ये में कबीर तबरानी ग्यारहवीं जल्दिस की जो है इसके अंदर एक हदीस इस जिल्द में दो बार जिक्र की है इमाम तबरानी ने ग्यारह हज़ार एक सौ चौरासी नंबर पर और ग्यारह हज़ार दो सौ चौदह नंबर पर तो्दुल्ला बिन अब्बास रदी से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्शाद फरमाते हैं अब देखो किस का किस से टकराव लाजम आ रहा यानी आज सफ़ में जगह खाली हो सिर्फ़ एक बंदे की और अगर पिछला नहीं खड़ा होता कि हजरत सदर मोहतरम ने फरमा दिया है गुना होगा आगे खाली जगह पर उसे पहले ये सोचना चाहिए कि रसूल मोहतरम सल्ला वसम की शरीय क्या है हमारे आकाश सल्ला व्ल्लम इरशाद फरमाते हैं मन नजारा अला फर जाते सफिन जिस देखा नमाज़ बाजमात की सफ़ के अंदर खाली जगह को यानी इतफाकान जिस तरह कहीं लोग खड़े हो रहे हैं जल्दी से जगह खाली रह गई है या यह भी हो सकता है कि किसी का वजू टूट गया वो चला गया है यानी बाई चांस ये नहीं कि सारे मुत्तफिक हो गए खाली रखने पर यह तो आफत ही बहुत बड़ी है बाई चांस खाली हो गई है और उस पर क्या हुआ फरमाया अब इस पर क्या लाजम है फल यस्तुर हा बफ से ही मेरा अकलाम फरमाते मेरा उम्मती है तो उस खाली जगह को अपने बदन से भर दे उस जगह खुद खड़ा हो जाए जिसने खाली जगह देखी यानी देखो कौन किस से टकराव कर रहा है उम्मती खाली जगह देखे तो सरकार फरमाते हैं वो उस जगह खड़ा हो आगे ना बढ़े आगे ना बढ़े वही खड़ा हो कहां यह कि बाई चांस खाली जगह है और कहां यह कि इसने भी जाकर आगे और खाली छोड़ के नहीं खड़ा होना बल्कि भरी हुई सफ में खड़ा होना लेकिन सरकार फरमाते हैं यहां खाली छोड़ के ना जाए अपना आप जो है फल यस्तुर रहा बेनफ से ही वो अपने आप से उस खाली जगह को भर भी मैंने ढांप दे फिलम य फल अगर इसने ऐसा ना किया फमरमार लिए है गुजरने वाला इस पे गुज़रा यानी ये था ना कि मसलन आगे साफ वे जगह खाली है ये यहाँ खड़ा हो गया और अगली जगह पे खड़ा नहीं हुआ अब ये पीछे खड़ा है तो सरकार फरमाते हैं मेरा हुक्म इस तक पहुँचाओ कि ये वहाँ खड़ा हो और अगर ये खड़ा नहीं होता और सूरत हाल चलते चलते ये बन जाती है कि मसला सलाम फिर जाता है लोग चलना शुरू हो जाते हैं और ये पीछे अभी खड़ा है हैलहदा अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए या किसी सूरत में भी सूरत ये बनती है कि उसकी गर्दन सजदे में थी कि लोग गुज़रना शुरू हो गए फमर्राम गुज़रने वाला उसके ऊपर से गुज़रा सरकार फरमाते हैं फल ये तो अला रकबत ही ये गुजरने वाला उसकी गर्दन को रौंद के गुजरे रहमत आलम नूर मुजस्म अलैहि वसल्लम इस वक्त भी रहमत है हालांकि बंदा हालत नमाज में है हालत सजदा में है और कितनी उसकी हरमत है कितना उसका एहतराम है लेकिन उसने वो जो खाली जगह वाला जो मसला था उसमें जो सरकार दो आलम वसलम की खिलाफ वर्जी की है तो सरकार फरमाते हैं बाई चांस नहीं अगर वैसे भी को गुजर रहा है तो उसको रगड़ा दो फल यता चाहिए कि वो इसकी गर्दन के ऊपर पांव रखे क्यों फरमा फईन ला मत लहू अब इसका कोई एतराम नहीं है फईन्हू लाह अब इसका कोई एहतराम तो इन चीजों से भी तो पता चलता है कि किस चीज की छुट्टी दी जा रही है कि मुखालफत पर सजा कितनी है चलो यानी दर्जा हदीस के लिहाज से अगर इससे आज हम ये साबित नहीं कर रहे कि जरूर पाँव रखा जाए लेकिन ये तो हमको हमें पता चल रहा है ना कि आखिर सरकार को दुख कितना है यानी इससे हम आज के किसी नमाजी की गर्दन पर पांव रखने का इस्तेदलाल हरगिज़ नहीं कर रहे कि कोई रखे लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रवायत है सरकार का अपना फरमान वो तो हो बहु लफ्ज़ देखने चाहिए यह तो कम अज कम हमारा हक है और इस पाए की हदीस है कि इन लोगों को झंझोड़ा जाए कि छुट्टी किस काम की दे रहे हो कि वहां तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख है इतने नाराज़ हैं रहे की गर्दन पे पांव रख के गुजरने वाला गुजरे कि मेरी शरीयत ने कहा था कि यह खुद उस जगह पे खड़ा हो जहां खाली जगह है ये क्यों नहीं खड़ा हुआ इस पर नाराज़ होकर सरकार फरमा रहे हैं फैन नाहौ और माता लहू इसकी कोई हुरमत हुरमत माना एहतराम इसका कोई एहतराम नहीं रहा अब यहाँ पर सैद आलम नूर मुजस्म शफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान इसी मौजू पर और बिलखसूस वईद के लिहाज से हमारे आका वसल्लम ने जो अल्फाज इर्शाद फरमाए सुन नसाई के अबवाब में और हदी शरीफ़ की जो दीगर माखज़ हैं मैं बस वो लफज़ पेश करके आज वाला मौजू समेट रहा हूँ और ये भी बहुत ही अहम हदीस है नसाई शरीफ में हदीस नंबर आठ सौ चौदह और सिर्फ़ नसाई शरीफ़ में नहीं सुन नबी दाऊद में भी है और इबन खुजैमा की सही में भी है सही इबन खुज़ैम इसके अलावा दर्जनों किताबों में है रसूल अक्रम सम सिरत अनसरदी अल्लाह तवायत करते हैं कि नबी अकरम सल वम ने हुक्म दिया राफो फ़कुम यह पहला हुक्म है रू के अपनी सफ़ों में खलल ना रखो वही बुनियान उमरसूस वही जो पहले हुक्म आ चुका है यथरासू ना और फरिश्तों का तरीका रासू, रासेस। अमर, रासेस। रास। रासेस भी हो सकता था और वाहिद में तीन तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है ये जमा है रू सफु कुम हुक्म मुतलक है क्यामत तक और सहाबा ने ताउन के अमराज देखे ताउन के अलावा भी तान नहीं लेकिन वबा आई मदीना मनवरा में सरकार की जहरी हयात में और तावन का मर्ज़ सिबा के अहद में कई बार आया मदीना मनवरासी हट कर बाकी बिलाद इस्लामी बिलखसूस शाम में लेकिन किसी ने ये सफों के निजाम पर हमला नहीं किया और ये छुट्टी नहीं दी पहला अमर है रासू दूसरा देखो सरकार की बारीक भी नहीं दो हमारे मौजू है ना एक है कि सफ में दो आदमियों के दरमियान का फासला दूसरा एक सफ का दूसरी सफ का फासला रासू पहले मौजू पर है कार दूसरे मौजू पर है कारबू बना हा हा जमीर मुन्नसफूफ की तरफ राजे है कि सफों को करीब करीब रखो यानी पहली सफ और दूसरी सफ इसके दरमियान में यू ना हो के तीन चार सफों का दरमियान छोड़ा हुआ है या यहां समझो कि यहां है जितना मजीद ज्यादा कर लें फरमावा कबू इनके दरमियान सफों के दरमियान कुर्ब करो इनको करीब करीब रखो फिर वह हाजू बिल आनाक क्या गहराई है निगाह नबूवत में। फरमाया ये तुमने देखना है ना कि सफ़ सीधी है सफ़ सीधी है तो एक साइड पे खड़ा होके गर्दनों को देखे एक दूसरे के बराबरी गर्दनों के जरिए देखो मुहाजात मुहाजात के दस बंदे खड़े हैं पहली सफ में इतनी जगह थी तो दस की दस की गर्दन एक लाइन में है या किसी के आगे पीछे है ये वह हैजू बिल आनाक बराबरी और मुहाजात बजरी या गर्दनों के चेक करो मनाकिब वाला अलग गुजर चुका है ये उस पर मुरतब होता है फिर आनाक का और जो किसी का छोटा कद हो तो वो शाजो नादिर बात है जो अमूमी मुतवसत इंसानों के कद हैं उसके लिहाज से अब ये तीन हुक्म इसके बाद मेरेक्लाम ने कसम उठाई हालांकि क्यामत तक के गुलाम के लिए तो कसम के बग़ैर भी सरकार के हुक्म के सामने सरखम था फल्स नफ्स एम बे मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है इन्नी लयातिन खुदा की कसम मैं शैतानों को देखता हूँ ताद खोलो मिन खलािसफ़ कि वो दाखिल होते हैं दो नमाजियों के दरमियान जो खाली जगह है वहाँ दाखिल होते हैं का हाज़फ हाज़फ जिस तरह के भेड़ या बकरी का बच्चा होता है लेला मेमना ये कसम उठा के बयान किया कि सिहाबा तुम्हें नज़र नहीं आता मुझे आता है इन्नी आरा माला तरन असमा माला तस्माऊन मैं वो भी देखता हूं जो तुम नहीं देखते और मैं वो भी सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते अब ये तो उस आंख का कर्म है कि शैतान जैसा पलीद और मूजी उस का दाखला बंद करने का तरीका सरकार ने हमें अता किया क्या मत तक की टेक्नोलॉजी करोड़ों छलांगे लगा के भी किसी एक मस्जिद में दाखिल होने वाले शैतान का पता नहीं दे सकती थी तो मेरे आका वसल्लम ने क्यामत तक अपनी उम्मत को आँखों से देखकर कि हमें अपनी आँखों पर वो एतमाद नहीं जो सरकार के देखने पर एतमाद है आँखों से देखकर कसम उठा के कहा परमा मैं देखता हूँ शैतानों को वो यूँ दाखिल होते हैं तो ये एक इस्लामी सिक्योरिटी है मोमिन को माननी पड़ेगी और दूसरा मान ही नहीं सकता वो शैतान जो मशरक़ में बैठ के मगरब वालों को गुमराह कर सकता है वो जो खून में शामिल हो के अंदर से फेरा लगा के आ सकता है मेरे सलाम फरमाते हैं मगरब के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दो अंदर नहीं आएगा बहुत बड़ा बागी भी ये हद क्रास नहीं कर पाएगा और फरमाया कुछ नहीं तो छड़ी रख दो बिस्मिल्लाह पढ़ के अब नीचे भी जगह खाली है ऊपर भी खाली है जो बंदे के नाक की ऊपर वाली जगह जाके रात गुजार लेता है उसको दरवाजे की जगहों से गुजरना क्या मुश्किल है और फरमा और नहीं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के धागा बांध दो मेरी शरीयत की बिसमिल्ला में ये पावर है कि शैतान अंदर नहीं आएगा अब ये मान सिर्फ मुसलमान सकता है और मुसलमान जिसको लिबरलिज्म के जरासीम ना चिमटे हों जो पहले अकल पे साइंटिफिक बुनियादों पे तोलना शुरू होगा तो आखिरी घड़ी तक भी चालीस साल अस्सी साल की जिंदगी ये एक भी नहीं तोल सकेगा कि मान ले आगे जिंदगी फिर उसे क्या अमल की मिलेगी और ईमान बिल गैब वाले ऐसी हजारों बातें मानते हैं सरकार ने फरमाया हमारा यकीन है बिस्मिल्ला पढ़कर बांधे हुए धागे पर यकीन है कि शैतान जो क्यामत तक की टेक्नोलॉजियों से ज्यादा ताकत रखता है वो उस धागे को तोड़ना तो क्या धक्का भी नहीं देता हट के वापस चला जाता है बड़ा बागी भी इस शरीयत के कुछ आकाम के सामने यूं ढेर हो चुका है तो करोना की क्या हैसियत है सोचो आलम इस्लाम के मुफ्तिया ने किराम समझाओ इन हुक्मरानों को इन्हें तो यह पता नहीं इन हदीसों का ईमान बिल गैब क्या है शरीयत मुतहरा क्या है और अगर इन चीज़ों का इन हदीसों का मजाक उड़ाना है तो फिर हमारा और इनका गुजारा क्या है और फिर इन लोगों के लिए इन्होंने इस्लाम से फिर लेना क्या है इस्लाम के सामने अकल को झुकाना पड़ेगा ये मुतवातर हदीसें जो मौजूद हैं तो इस बुनियाद पर सरकार फरमा रहे हैं कि सफ़ों के, के दरमियान खलल ना छोड़ना खुदा की कसम मुझ उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी मुहम्मद अलैहि वसल्लम की जान है मैं देखता हूँ थोड़ी सी इस जगह भी खाली होती है तो उस साइज़ का शैतान आके घुस जाता है अब वो पलीद कितना है और वो दुश्मन कितना है कि इंसान को कितना लूटना चाहता है करोड़ा करोने उस कमीने की एक झलक के सामने जे रहे है तो जितना बड़ा दुश्मन कबूल करना चाहते हो करुणा का तो वाम है और उसके आने का यकीन है सरकार तो कसम उठा के कह रहे हैं कि मैंने खुदा की कसम देखा वो दो सफों के दरमियान दो सफ़ों के दरम्यान जो जगह है थोड़ी सी भी मैंने यानी ये लफज जो है ना खजफ वाला इसलिए था वैसे तो वो कभी वो पहाड़ जितना बढ़ जाता है कभी उसका साइज़ मजीद बड़ा हो जाता है लेकिन एक उसमें ये भी कमीने में गुंजाइश है कि जैसी जगह वो फिट हो जाता है वो थोड़ी सी जगह मिलने पर भी वो बाज नहीं आता अपनी अपनी शरारतें करने के लिए वो आ जाता है तो बंदा तो अपने दुश्मन से बच के रहता है सिक्योरिटी ये सिक्योर किया है हमारे वसल्लम ने और हम कैसे हैं कि हम उसे कबूल ही नहीं कर रहे माजल्ला अब करोना से बचने के लिए शतूना को जगह दे दें बचाओ करोना से और उसके आने की जगह छोड़ रहे हैं कि बड़े बड़े साइज की आ जाए इबलीस एक है मगर शैतान तो ये जितनी जगह बनाएंगे उतनी जगह में आ जाएंगे और ये मैं पूछता हूं मुफ्तियों से कि वो शैतान की बीमारी बड़ी है या करोना की बीमारी बड़ी है शैतान का जरर ज्यादा है या करुणा का जरर ज्यादा है शैतान से बचाओ ज्यादा जरूरी है ईमान के लिए या करोना से बचाओ ज्यादा जरूरी है किसी जेहत में तो सोच लो किसी आने वाले तूफ़ान का डरावा देकर ना खुदा ने अभी उन लोगों का हिसाब बाकी है ना खुदा ने मुझे साहिल पे डबोना चाहा तो इस बुनियाद पर आज का ये दर्स इन अहदीस पर जो सिर्फ अभी टेक्स्ट पेश किया है और बेशक अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो ज़रूर हो ये हदीस है ये इसके अल्फाज हैं अगर आज हम सिर्फ अपने लिए लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए ये छुपा जाए तो क्या के दिन ज़ुबानें काट दी जाएंगी, गूंगा शैतान कहा जाएगा आज कोई फितना परवर हमें कहे या फितना बाज़ कहे तो कोई बात नहीं सरकार की अमानत में तो ख़्यात नहीं कर रहे सरकार को अब आज गुमबद खजरा में किस कदर सरकार को ये पसंद है कि जो मैंने फरमाया था क्यों नहीं उसको जाहिर किया जा रहा कौन बोलेगा कौन बोलता है ये बिल्कुल मेरी हदीसों के खिलाफ मेरी उम्मत में क्यों होने लग गया है कोई तो बोले कोई तो बोले कोई तो बोले पूरी दुनिया नाराज होती है तो हो जाए हम इसलिए बोलते रहेंगे आखिरी सांस तक कि हमने दुनिया के तेवर नहीं देखने माह मदीना का रुख जेबा देखना है अलैहि वसल्लम और इसमें हमें किसी से कोई हसद नहीं कि कोई कल कहे कि ये हमने चूँकि यूं कहा ये हमसे हसद कर रहे हैं कोई ये कहे कि इन्हें शायद हमारी जगह किसी सीट की ज़रूरत है तो मैं वो पहले लिख के देता हूँ मैं किसी की सीट पर किसी जगह भी नहीं आना चाहता किसी तंजीम की सीट पर किसी सरकारी इदारे की सीट पर किसी जगह भी माह मदीना अपनी तजल्ली अदा करे ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है वाखिर उदावा अनहमदिल्ल रबालमीन अल्हदिल्ल रबालमीन वलाम्दीन सलाम रसूलकरीन यालमिन जो कुछ पढ़ा है इस पर इजरसा मुतफफ़रमा इसका सवाब सईदलमसलीन हज़रत महमद मुतफ़ा सल्ला वसलम के रूह नूर के लिए पेश करते हैं कबूल फरमा आपके वसीला जलीला सेतमाम अम्बिया करामफ़ राशिदीन रदी अल्लाह बैत अार रदी अल्लाह तैन हम अजवाज मतारात रदी अल्लाबा करम ऱी अल्लाम ताबीन तब ताबीन आय तरीक़त आय शरीय जमील मुसलमिन वलुमसिमत के रवा के लिए पेश करते हैं कबूल फर्मा सईदना गौस आजम रदी अल्लाह दाता गंजे बख्शवेरी रदी अल्लाह तुम के लिए पेश करते हैं कबूल फर्मा या लजिन शयूह के जरिए हम तक दीन पहुँचा है उनकी अरवा के लिए पेश करते हैं कबूल फर्मा यामी या ला रसुल पाक वसल्लम के अजीम मरतबाक फ़ैर गाज़ी ममताज़ैन कादरी शहीद रहम रह की रूह और दीगर शुदा इस्लाम के रवा के लिए पेश करते हैं जितने भी कोरोना में जाँ बहकून के अबाँह के लिए पेश करते हैं कबूल फर्मा या इिलामिन ला हज़रत हाफिज़ालदीस रही म और दीगर शूह की रवा के लिए पेश करते हैं कबूल फर्मा बिलखसूस मोहम्मद रशीद दाऊदी साहिब अमीर तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह सल्हस मकबूजा कश्मीर व चेयरमैन तहरिक सौतौलिया उनके वालद मोहतरम की रूह के लिए पेश करते हैं कबूल फरमा या उनके दराजात को मजीद बुलंद फर्मा या लनके हसनात को कबूल फर्मा सया से दरगुजर फर्मा अल्लाबदू का वबन अबदी का वबन आमती का ना यशद् महमदर रसूलू का इनका ना मुहसिनन फ़जदी यसानी वन का ना मुख़नफ़ तजा वज़न हो अल्ला तरम अजरू अला तफ़्तिन बाहाली रसूल अक्रम सम के ीम मरतबा के तो फ़ैल जो कुछ हमने पढ़ा इसका शब अपनी वालदा मोहतरमा मरहूमा की रूह के लिए पेश करता हूँ कबूल फर्मा या एलमिन बीमारों को शिफाता फ़रमा तमाम नाजरीन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे छोटे भाई मुनाजर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब बहुत ज़्यादा अलील हैं लेकिन अल्लाह के अमर कन के सामने कोई बैद नहीं कि वो मट्टी में भी जान डाल देता है या अल्लाह मोहम्मद आबिद जलाली साहब को शिफाए कामिला आजला अता फ़रमा अपने फ़जलो करम से मेरे मौला उन्हें शिफ़ा अता फ़र्मा या एल अल्लामा मोहम्मद सदीक मुसफ़ी साहब के वालद मोहतरम को शिफाए कामिला आजला लाता फरमा अल्लामा मोहम्मद तैयब जलाली साहब को शिफाए कामिला आजला आजलाता फ़र्मा अमामा मुतजाली हाशमी साहब की खुशदामन साहबा वो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें या उन्हें शिफाए कामिला आजला लाता फरमा हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़र क्यूम साहब मेरे खाला भाई हैं वो भी शदीद अलील हैं उनके लिए भी दुआ करें या अल्लाह उनको शफाय का मिला आजला ता फ़रमा मौलाना मोहम्मद हज़ैफा जलाली साहब की वालदा मोहतरमा शद च्थ अलील हैं या अल्लाह उनको भी शिफाए का मिला आज ला तरमा या अल्लाह हम सब की ये दुआ अपने दरबार में कबूल फ़रमा या अल्लाह फ़याज़ फ़ुर्कानी साहब की वालदा मोहतरमा को या अल्लाह शफ का मिला आजलाता फ़र्मा बिल नबिल्लाम कायमिन व फज़ना बिल नबिल्लाम क़ायदी व फ़ज बिल इस्लामाम राद्दीन ولا تشمت من الاعداء والحاسدين ولا تشمت من الاعداء والحاسدين ولا تشمت من الاعداء والحاسدين الهي انت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل فساهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل بحرمة سيد الأبرار ساهل بحرمة سيد الأبرار ساهل اذهِبِ الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاع إلا شفاعك شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء الله يغادر الكرونا شفاء الله يغادر الكرونا شفاء الله يغادر, يغادر الكرونا اللهم انت مولانا اذهِب الكرونا ंत मौलाना अज हिबिल करूना या रहन या रहीम या सत्तार या गफ्फ़ार अज हिबिल कुरूना बिजाही नबीलमुख्तार व सल् तबीबी ही खैर खलक़ी ही सैदना मौलाना मुहमद उमाली वसाबी अजमाई